हाइपर बोला, देखो कहते हैं कि लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव सच दैट रेशियो ऑफ इज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू इज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स स्ट्रेट लाइन इज कॉन्स्टेंट ग्रेटर देन वन इज कॉल्ड हाइपरबोला। और हाइपरबोला इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सो दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एफ ऑलवेज वेयर्स अ कॉन्स्टेंट रेशियो ई ग्रेटर देन वन टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन एल। अब देखो ये इक्वेशन होती है हाइपरबोला की, ठीक है, और ये बड़ा अहम फार्मूला होता है बी स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन। हाइपरबोला में ई जो है ना वो ग्रेटर देन वन होता है। देखो अगर इस इक्वेशन को गौर से देखो ये तो ना हो जाएगा फोका ही, ठीक है, ये आपकी वर्टेसेस होती है, ठीक है, और ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई। ये तब की बात है देखो जब ये ना एक्सेस कौन सा हमारा एक्स एक्सेस एक्स एक्सेस के ऊपर है तो और रिजल्ट जो होते हैं वो ऑब्टेन कैसे होते हैं बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर कर दो इक्वेशन में तो रिजल्ट आ जाते हैं। इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू एस एक्स थीटा वाई इक्वल टू बी टेन थीटा। और ट्रांसफर एक्सेस की अगर हम बात करें तो हाइपरबोला जब मीट करता है एक्स एक्सेस पे पॉइंट ए कॉमा जीरो और माइनस ए कॉमा जीरो पे तो ए ए डैश कहलाती है ट्रांसफर एक्सेस और लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सेस टू ए होती है। इसके बरक्स अगर हाइपरबोला वाई एक्सेस पे मीट कर रहा है पॉइंट जीरो कॉमा बी और जीरो कॉमा माइनस बी पे तो ये कॉन्जुगेट एक्सेस कहलाती है और जो बिल्कुल दरमियान का पॉइंट होता है वो सेंटर कहलाता है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई जो होते हैं वो ए ई कॉमा जीरो या माइनस ए ई कॉमा जीरो। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई। इसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होती है टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वर्टेसेस होंगे ए कॉमा जीरो और माइनस ए कॉमा जीरो।